Hello friends, I am Dr. Rishabh Sehgal, consultant gastroenterologist and hepatologist at Amandi Medicity Hospital Amritsar. मैं पेट और जिगर के रोगों का सुपर स्पैशलिस्ट हाँ। जिवें कि अजकल असं देख रहे हैं कि कब्ज़ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लोगों को तंग कर रही है। ये बुजुर्गों के नाल अजकल यंग पेशेंट्स भी काफ़ी तंग कर रही है और असी अपनी लोकल ओपीडी देखते हाँ कि पेशेंट कई दिन तो काफ़ी दवाइया लै रहा लेकिन फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिलता। सो इसलिए एक्चुअली सानू कब्ज़ का की कारण है उसकी जड़ तक जाना चाहिए है अतः किस प्रकार की है इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए है। इस चीज़ को जान के ही असं उसका प्रोपर इलाज कर सकते हाँ। इसी चीज़ के साडे रीजन के एक कमी सी कि साढ़े को मैनोमीटरी मशीन नहीं सी। मैनोमीटरी मशीन राही असी जांच कर सकते हाँ कि उसको कब्ज़ किस प्रकार की है और इस राही असी उन्होंने एक बायोफीडबैक थेरेपी दे सकते हाँ जिस कब्ज़ रिलीफ हो सकती है जिस असं सिखाते हैं कि वो स्टूल पास करने की प्रक्रिया के किस तरह अपने मसल्स यूज करे। बिल्कुल इस दिन असं थोड़ी दवाइया भी देने हाँ और असं ये देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 मंथ्स के कई पेशेंट की असं दवाइया छुड़ा दी हैं। यह बड़े मान ना कह रहे हैं कि यह मशीन सिर्फ साढ़े को है और असं पहले तो असं अज तक के अकेले सेंटर हाँ। ये जरा टैसट है बिल्कुल सौखा टैसट है, ये कोई दर्द नहीं होंगी, कोई सूई नहीं चुभती और इसलिए कोई दाखिल होने की लोड़ नहीं है। 10 मिनट का टैसट है, टैस्ट तो बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो गए घर जाता है। ये मशीन असी होर भी यूज़ कर सकते हैं जेडे पेशेंट्स कई खाने की नली की दिक्कत होंगी है जिन्हों का खाना अटकता है रिलेटिड एंडोस्कोपी और सारे टैस्ट उन्होंने नॉर्मल आते हैं। उस दे विच ये टैस्ट सानू दसदा है कि इस वेजर साड़ी फूड पाइप की मोटिलिटी कोई दिक्कत है कि नहीं है। असी देखते हैं कई पेशेंट यहोजे जिन्हें एंडोस्कोपी नॉर्मल होंगी है उन्होंने ये मैनोमीटर टैसट अर्ली फाइंडिंग जल्दी फाइंडिंग लभ लैंदा है और उस तो बाद असी बीमारी का प्रोपर इलाज कर लेंगे हाँ। इस तो अलावा असी एक होर मशीन की गल करना चाहवांगे जिन्हों असी स्पाई ग्लास कहते हैं जो कि अमृतसर रीजन सिर्फ साढ़े को ही है और असी है इनू सब तो पहला लैके आने वाले। हूँ असी कई देखते हैं कई मरीजा की जिन्हें पित्ते की पत्थरी पित्ते की नली च आ जाती है लेकिन वो बहुत वड्डी होंगी है जिन्हों की असी नॉर्मल ERCP राही नहीं कट सकते। उस चीज़ लिए असी एक मशीन लैके आए जिन्होंने असं स्पाई ग्लास कहने हैं जिदे राही असी अंदर जाके उसनों लेजर ना तोड़ देंगे अते मरीज का वड्डा ऑपरेशन असी बचा सकते हैं। उन्हें ये मशीन जिहड़ी कि कुछ पत्तियां जो लीवर के अंदर पईयां होंदियां उसनों कढ़न ते तोड़ने विच भी बहुत कारगर हैगी है। प्लस कदी कदार जो असी देखते हैं कुछ गट्ठा होंदियां जिहड़ी कि गट्ठा पित्त की नली के होंदियां जिहदा कोई डायग्नोस नहीं बनता जिहदा कोई कारण नहीं लभदा उसके कारण उसके इलाज लिए भी ये मशीन की बहुत ज़्यादा वरतों की जाती है। और असी इतने कई पेशेंट यहोजे ने जिन्होंने बाहर वड्डी सर्जरी रैफर की गई सी लेकिन असी उसको लेजर ना तोड़ के दूरबीन राही वो पथरियाँ कट दी गई। सो इन नटशेल सड़क 2 मशीन है, पहली मशीन मैनोमीटरी जो कि जिन्हें पेशेंट्स को काफ़ी देर तो कब्ज़ है या जिन्हों का स्टूल विच निकल जाता है या जिन्होंने खाने की दिक्कत है उसके काफ़ी मददगार साबित हो रही है। तो दूजी मशीन जिन्होंने असं स्पाई ग्लास विद लेजर कह रहे हैं जिन्हें पेशेंट से पित्ते की नली के बहुत वड्डी पत्थरी है या गट है या लीवर के पत्थरियाँ है उस दे विच उन्हां नूं कंडल दे विच काफ़ी मददगार साबित हो रही है। थैंक यू।